2019 में पवन सिंह की कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं, आज हम आपको उसकी लिस्ट देंगे। लेकिन उनकी चार ऐसी बड़ी फिल्में हैं जो इस साल रिलीज भी होंगी और बॉक्स ऑफिस पे धमाका भी करेंगी, और हम आज उन्हीं चार फिल्मों की ही बात करेंगे। तो पहली तो फिल्म उनकी आ रही है तिरंगा, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अभय सिन्हा और जिसकी शूटिंग पवन सिंह जल्द ही शुरू करने वाले हैं। फिर शशांक राय की शेर सिंह, जी हां, जिसकी शूटिंग काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए पवन सिंह बिजी थे 3 महीने, इस वजह से इसकी शूटिंग डेट को आगे कर दिया गया है और इस फिल्म में आम्रपाली उनके साथ नजर आने वाली हैं। अब बात करते हैं पवन सिंह की तीसरी फिल्म बॉस की, जो कि काफी चर्चाओं में है। जी हाँ, फिल्म बॉस की शूटिंग पवन सिंह बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लगातार हम ये क्यों कह रहे हैं कि इन सारी फिल्मों की शूटिंग पवन सिंह जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, एक साथ 3 फिल्मों की शूटिंग पवन सिंह कैसे करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, ये सच है। खुद इसकी पुष्टि पवन सिंह के करीबियों ने की है कि पवन सिंह जल्द ही इन 3 फिल्मों पर बैक टू बैक काम करेंगे और इसे इस साल के अंत तक रिलीज भी करेंगे। वैसे कहा जा रहा है फिल्म बॉस हो सकता है दशहरे के मौके पर और शेर सिंह दिवाली के मौके पर और अभय सिन्हा की फिल्म तिरंगा छठ के मौके पर रिलीज हो, यानी कि एक ही महीने में, तकरीबन एक ही महीने के आसपास पवन सिंह की 3 ऐसी बड़ी फिल्में आएंगी जो एक्शन पैक्ड हैं, साथ ही उसमें लव भी है, साथ ही उसमें आपको ड्रामा, एक्शन, रोमांस सब का मिक्सर मिलेगा। वैसे पवन सिंह की फिल्में जानी ही जाती हैं एक्शन के लिए। आपको बता दें कि एक फिल्म उनकी और आ रही है, फिल्म का नाम है जय हिंद, जिसकी शूटिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगी मधु, जी हां, मधु शर्मा के साथ यह उनकी फिल्म होगी। मधु और पवन की जोड़ी को भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा और पवन सिंह की जोड़ी के बाद सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो इस साल पवन सिंह की कई और फिल्में आएंगी, लेकिन जो प्रदर्शित 2020 में होंगी। लेकिन 2019 में उनकी 4 ऐसी फिल्में हैं जो प्रदर्शित भी होंगी और धमाका भी मचाएंगी। अभय सिन्हा की तिरंगा, शशांक राय की शेर सिंह, प्रेम राय की बॉस और उनकी 4थी फिल्म जय हिंद। तो पवन सिंह के फैंस के लिए ये साल उनका रहने वाला है, और वैसे भी मैंने उनको सजन चुन लिया और क्रैक फाइटर की अपार सफलता के बाद ये लगता है कि 2019 पवन सिंह का ही होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।